नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जल्द ही नागिन सीजन 6 के अंदर नई नागिन की एंट्री हो रही है। जी हां, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नई नागिन के जो रूप में आ रही हैं वो नई नागिन आपकी अपनी फेवरेट स्टार जो कि बिग बॉस 14 की विनर है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी समय से एकता कपूर अपने नए नए प्रोजेक्ट के लिए जो कि काफ़ी समय से जो कि खोज जारी कर रही थी, लेकिन नागिन 6 में आपने अभी तक देखा होगा तेजस्वी प्रकाश के साथ में और महक चहल और उनके सहपाठी कलाकार सिम्बा नागपाल भी नजर आए थे। लेकिन आखिरकार एक बार फिर से नई नागिन की एंट्री होने जा रही है, वो हैं आपकी रूबीना दिलेक। रूबीना दिलेक इस बार अपनी नई TRP के साथ में कमबैक करने जा रही हैं, क्योंकि दर्शक भी चाहते थे कि नागिन 6 में रूबीना को देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रूबीना दिलेक एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं, एक ऐसी लड़की हैं जो हमेशा से ही सुर्खियों में रही हैं और लंबे समय से ही सही, लेकिन अपनी बात को रखने में भी पूरी तरीका से कामयाब हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ अन्य अपडेट इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि रूबीना दिलेक के साथ साथ में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि तेजस्वी प्रकाश का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। हालांकि अभी तक तेजस्वी प्रकाश और महक चहल का जो योगदान है नागिन सीजन 6 में वो परफेक्ट योगदान है और ऑडियंस इन दोनों को भी काफ़ी पसंद कर रही है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रूबीना दिलेक के साथ साथ में सूत्रों के हवाले तो ये खबर मिल रही है कि एक मेल एक्टर की और भी एंट्री होने जा रही है, लेकिन अभी इतना कन्फर्म नहीं हुआ कि ये मेल एक्टर है कौन, क्योंकि मेल एक्टर की अगर एंट्री होती है तो ये वाकई में दोस्तों देखना बहुत ही अधिक दिलचस्प होगा कि आखिर मेल एक्टर कितने अपने नए अंदाज में ऑडियंस के बीच में अगेन टुगेदर वापसी करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अक्सर देखा गया है कि रूबीना दिलेक और सहपाठी कलाकार यानी कि आपके सिम्बा नागपाल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, लेकिन एकता कपूर ने हाल ही में ही एक इंटरव्यू में क्लियर किया था कि आने वाला जो प्रोजेक्ट है वो कि उसमें कुछ ही हफ्तों के बाद में रूबीना की जो एंट्री होगी वो बहुत ही शक्तिशाली नागिन के रूप में एंट्री होने जा रही है, क्योंकि एक शक्तिशाली नागिन के तौर पर जो दिखाया जाएगा आप लोगों के बीच में वो वाकई में दोस्तों काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल।